हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे मेरा काम यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सारे व्लॉग आप तक पहुँच जाएँ। तो जैसा कि आप मेरी तैयारी से अंदाज़ा लगा सकती हैं, मैं ज़रा तैयार हुई हूँ। तो आज है ईद का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद सेलिब्रेट करें, घर वालों के साथ खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, क्योंकि ईद पर यही करना चाहिए। तो ऐसा है कि घर वाले आ चुके हैं, मामा पापा वगैरह अंदर बैठे हुए हैं। तो ईद शीत तो मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा चलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। अब उनसे ईद दोबारा मिलते, सारा दिन है ईद मिलते जाओ, बार बार मिलते जाओ, एक दफ़ा मिलो, 10 दफ़ा मिलो, कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं कटने हैं आपके, ईद मिलनी है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जाके अंदर अपने घर वालों को मिलवाती हूँ अपने घर वालों से। लेकिन ना ये एक और बात भी है, मैंने ना फैज़ान के लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया हुआ है। सरप्राइज़ तो नहीं आएंगे, कोई स्पेशल सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल आई लव फ्लावर्स, तो मैंने उनके लिए एक बुकेट मंगवाया हुआ था। तो ना मैं उसे निकालती हूँ और ना फिर उनको बाहर बुलाते हैं और सरप्राइज़ देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ मेरे आपको क्या खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो निकला, तो ये है बुका जो कि हमने मंगवा लिया है। और ना अब फैज़ान भाई आते हैं, उनको हम देते हैं। दे क्या भाई, फैज़ान को लेट्स गो। आइज़ क्लोज करके आना है आपने, फैज़ान जल्दी आए। आइज़ क्लोज। हेलो, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। हाँ जो सही हमारे फॉलोअर्स को कैसा है? बहुत मजे की। यू लाइक इट? आई लाइक इट, आई लव इट। ये क्या है? मैं भी लाया था आपके लिए कुछ। चुप चुप के फिल्म है? चुप चुप के फिल्म देखी है आपने? हाँ, चुप चुप के चुप के चुप के। थैंक यू। पाओ पाओ पुठे हाथ ही पाओ, एक सीधे हाथ ही पाओ। नाज़रीन, तो टाइम तो हो गया है लेट, लेकिन हमारी कुर्बानी होने के लिए है तैयार। तो ये मैं दिखाती हूँ अपना बेड़ा, अगर नज़र आ जाए। हाँ जी जी, तो बात कुछ ऐसे है कि ना मैं इजी हो चुकी हूँ, चेंज मैं कर चुकी हूँ और ना खाना पकने रख दिया है। कुर्बानी हमारी थोड़ी लेट हो गई थी और बाहर अभी तक ना गोश्त बन रहा है, तो मैं थोड़े से गोश्त के हालात दिखाती हूँ आपको जाके। हाँ जी जी, तो बात कुछ ऐसी है कि ईद का दिन हो चुका है ख़त्म और हमने खाना शाना खा के हम चले गए थे गोश्त प्लांट में, और मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत टाइम लग गया और ना गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, ना तैयार होने का दिल करता है, ना कुछ छोड़ करने का दिल करता। तो बस मैं हम लोग फिर आए हैं अभी, तो अभी मैंने फ्रेश हुई हूँ, हाथ वगैरह धोया है, चेंज किया है मैंने, बस अब हम लोग रेस्ट करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।